हिंद एवरी वन गुड मॉर्निंग होप सो यू ऑल आर फिट एंड फाइन टूडे वी आर गोइंग टू लर्न चैप्टर नंबर सेवन फ्रॉम लर्न वेल सो टेक इज चैप्टर नंबर सेवन हम चैप्टर स्टार्ट करें उससे पहले हमें क्या करना पड़ता है चैप्टर के न्यू वर्ड्स तो यहाँ पे है हमारे चैप्टर सेवन के न्यू वर्ड्स बहुत सारे न्यू वर्ड्स है बस छोटे छोटे है हो जाएंगे फर्स्ट वन इज एयर एयर का मतलब तो आप सबको पता ही है हवा फिर सेकंड वन सेकंड वन इज अ ब्रीथ ब्रीथ मतलब कि सांस लेना देन आफ्टर अ स्लीप अ स्लीप मतलब सोना हमारी जो नींद होती है वो देन आफ्टर स्पेस स्पेस का मतलब होता है जगह जैसे कि एयर को झगे की जरूरत पड़ती है ऐसा हमें चैप्टर में पढ़ना है इसलिए ये वर्ड दिया है स्पेस धैन आफ्टर इंक्रीजिस इंक्रीजिस का मतलब होता है बढ़ना ज्यादा होना धैन आफ्टर विदाउट विदाउट का मतलब होता है उसके बिना धैन आफ्टर पोटेड पोटेड प्लांट मतलब कि जो पहले से ही उगाए हुए हैं वैसे वाले प्लांट धैन आफ्टर पोलीथीन वो तो पता ही है पोलीथिन हम घर पे यूज करते हैं पोलीथिन बैग आफ्टर ऑब्जर्व ऑब्जर्व का मतलब होता है बहुत अच्छे से देखना धैन आफ्टर अनकर्ड अनकर्ड मतलब की बिना ढका हुआ धैन आफ्टर ड्राइडअप ड्राइडअप मतलब की सूख जाना सूखा हुआ धैन आफ्टर डेड डेड का मतलब होता है मर जाना धैन आफ्टर इनफ इनफ का मतलब होता है कि जितनी जरूरत हो उतनी चीज मिल जाना धैन आफ्टर विंड का मतलब भी वही होता है हवा धैन आफ्टर ब्लोइंग ब्लोइंग का मतलब होता है इधर से उधर चलना लाइक मूविंग मूविंग एंड ब्लोइंग उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों सेम काइंड ऑफ वर्ड है देन आफ्टर जेंटली जेंटली का मतलब होता है धीरे से देन आफ्टर ब्रीज ये एयर का एक फॉर्म है मतलब जेंटली ब्लोइंग एयर को हम क्या कहते हैं ब्रीज कहते हैं देन आफ्टर स्टोम स्टोम का मतलब होता है तूफान अपरूट ट्रीज अपरूट मतलब रूट में से नीचे से टूट जाना और गिर जाना अपरूट ट्रीज मतलब गिरी हुई ट्री धैन आफ्टर ब्लू ऑफ ब्लोइंग और ब्लू ऑफ का मोस्ट ऑफ सेम मतलब होता है ब्लू ऑफ का मतलब वही वह होता है कि हवा की वजह से उठ जाना गिर जाना धैन आफ्टर रूप्स रूप्स का मतलब होता है कि जो पुअर पीपल होते हैं जो रोड पे रहते हैं उनके घर पे जो ऊपर वो छापरे होते हैं उसको कहते हैं हम रूप्स जो छत होती है उसके घर पे उसको हम रूप्स कहते हैं देन आफ्टर थंडर थंडर का मतलब होता है ठंडी लगना कोल्ड फील होना देन आफ्टर लाइटनिंग लाइटनिंग का मतलब होता है बिजली होना देन आफ्टर बर्निंग बर्निंग का मतलब होता है जलना। देन आफ्टर ब्लेड्स 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 हम किसको कहते हैं जैसे कि हमारे घर में कोई फैन होता है तो उसकी तीन ब्लेड्स होती है मतलब उसके जो तीन पार्ट्स होते हैं उसको हम ब्लेड्स कहते हैं नेक्स्ट इज विंड मिल विंड मिल मतलब कि पवन चक्की वो भी हमने देखी है कई कई -कही प्लेसों पे बहुत सारी पवन चक्की होती हैं देन आफ्टर पेराशूट वो भी हमने देखा है एक बड़ा सा बलून देन आफ्टर सेल बोट पानी में चलने वाली बोट उसको हम सेल बोट कहते हैं देन आफ्टर डैमेज डैमेज का मतलब है कि कोई भी चीज हो तो उसमें हम ऐसा बोलते हैं कि वो टूट जाती है तो इतना डैमेज हो गया टूट जाना या फिर यूज में हम उसका यूज ना कर सके वैसे कोई उसमें प्रॉब्लम हो जाए तो उसको डैमेज कहते हैं एंड लास्ट वन इज़ अ ऑक्यूपाइज एयर ऑक्यूपाइज स्पेस इसका मतलब है एयर को uh, जो स्पेस होती है जगह होती है उसकी ज़रूरत पड़ती है वो जगह रोकती है तो ऑक्यूपाइज का मतलब होता है कि रोकती है इतनी उसको जगह की ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ पे हमारे हार्ड वर्ड्स न्यू वर्ड्स ख़त्म हो जाते हैं आपको ये सारे न्यू वर्ड्स अपनी ई की बुक में लिख लेने तो हियर इज चैप्टर नंबर सेवन एयर एयर का मतलब होता है हवा जो हमारे आजू बाजू में होती है एयर इज ऑल अराउंड मतलब हमारे चारों तरफ हमारे आजू बाजू में क्या होती है हवा होती है हम ब्रीथ करते हैं ऑक्सीजन अगर हवा नहीं होगी तो हम ब्रीथ नहीं कर पाएंगे इट कैन नॉट बी सीन बट कैन बी फेल्ट वैन इट मूव हम उसको देख नहीं सकते हैं सीन का मतलब हम उसको देख नहीं सकते बट कैन बी फील्ड हम उसको फील कर सकते हैं वैन इट मूस जब वो इधर से उधर चलती है हवा तब हम उसको फील कर सकते हैं लाइक like, जैसे कि हम बाहर घूमने गए हैं तो हम बाइक में जा रहे हैं या फिर कार में जा रहे हैं तो हमें ऐसा फील होता है कि हमें थोड़ी सी ठंड लग रही है हवा चल रही है तो जब हवा मुँह करती है चलती है तब हम उसको फील कर सकते हैं बट हमें वो दिखाई नहीं देती है वी कैन नॉट लीव विदाउट एयर हम एयर के बिना जी नहीं सकते वो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि हमें ब्रीथ करने के लिए एयर की जरूरत है अगर हम ब्रीथ ही नहीं कर पाएंगे तो फिर इंसान जिंदा ही नहीं रह पाएगा वी इट ऑल द टाइम इवन व्हेन वी आर अस्लीप हम हर एक टाइम पे उसको ब्रीथ करते रहते हैं इवन व्हेन वी आर अस्लीप जब हम सोते हैं तब भी हम हर एक टाइम पे उसको ब्रीथ करते रहते हैं जब हम सोते हैं तब भी हम ब्रीथ करते रहते हैं। एयर एयर स्पेस स्पेस एंड वेट। मतलब एयर को जगह की भी जरूरत पड़ती है रहने के लिए एंड हेज वेट उसका वेट भी होता है उसका वजन भी होता है एयर भले ना हमें दिखे नहीं हम उसको सिर्फ फील कर सकते हैं बट उसको छगे की भी ज़रूरत पड़ती है और उसका वेट वजन भी होता है यू मस्ट हैव सीन अ बलून आपने बलून तो देखा ही होगा इट हैज़ एयर फील इन इट दैट इंक्रीजिज इट साइज उसके अंदर एयर भरी हुई होती है उसकी वजह से उसकी साइज कैसी होती है बड़ी बड़ी होती जाती है जब पहले बलून छोटा होता है फिर फिर हम मुंह में मुंह से उसमें हवा भरते हैं तो वो धीरे 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 बड़ा हो जाता है तो वो हमें दिखाता है कि जितनी ज़्यादा हवा अंदर अंदर जाती है बलून के अंदर उतना बड़ा बलून होता है तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि जो एयर होती है उसको जगह की ज़रूरत पड़ती है वो हमें बलून में दिखता है दिस सोज दैट एयर ऑक्यूपाई स्पेस जैसे कि मैंने कहा ये हमें दिखाता है कि एयर को जगह की ज़रूरत पड़ती है रहने के लिए आप अपने घर में सब कुछ बंद कर दोगे सब कुछ लाइक विंडो बंद कर दोगे डोर बंद कर दोगे और आप घर में बैठोगे ना तो बाहर तेज़ हवा चलेगी नहीं तो आपको बाहर से थोड़ी थोड़ी आवाज़ आएगी या फिर हवा की वजह से क्या होगा आपके जो विंडो है या फिर अव... आपका डोर है वो थोड़ा थोड़ा टकराएगा तो इसकी वजह से हमें यह पता चलता है कि हवा हवा को भी एयर को भी जगह की ज़रूरत पड़ती है आपकी रूम की हवा है उसकी वजह से वो टकरा रहा है और जो रूम की हवा है और जो बाहर की हवा है वो अंदर रहने की ट्राई कर रही है इसकी वजह से आपको आवाज़ भी आ रही है तो ये सारे एक्सपीरियंस हमें होते रहते हैं लिविंग थिंग्स नीड एयर जो लिविंग थिंग्स होती है जैसे कि हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था लिविंग्स का मतलब जिंदा तो जो चीज़ जिंदा होती है जिसमें जान होती है उसको हवा की ज़रूरत होती है फिर वो प्लांट्स हो एनिमल्स हो इंसेक्ट्स हो वॉम्स हो हम hum हो ह्यूमन बींग्स हो सबको जरूरत पड़ती है ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ सब लिविंग थिंग्स को जीने के लिए किसकी ज़रूरत होती है सॉरी सब लिविंग थिंग्स को जीने के लिए जिंदा रहने के लिए ब्रीथ करने की ज़रूरत होती है और ब्रीथ में हम क्या करते हैं एयर uh, होती है उसका यूज़ करते हैं इसलिए एयर की भी ज़रूरत होती है दे विल डाई विदाउट एयर Die, मतलब कि वो मर जाते हैं है। अगर हमें हवा ना मिले तो हम मर जाएंगे आप थोड़ी देर के लिए अपना नोज है उसको अपनी दोनों दोनों फिंगर से बंद कर दोगे तो आपको ये फील होगा आप थोड़े दिन तक ऐसे सॉरी थोड़े टाइम तक आप अपने नोज को ऐसे दबा के रखोगे ना तो थोड़े टाइम तक आप रख पाओगे फिर थोड़े टाइम के बाद आप मुंह से ब्रीथ करना स्टार्ट कर दोगे और थोड़े थोड़े टाइम के बाद आपको वो छोड़ देना पड़ेगा क्यों क्योंकि आप ब्रीथ नहीं कर पाओगे तो आपको सफोकेट होने लगेगा सफोकेशन होने लगेगा तो हमें जिंदा रहने के लिए ब्रीथ की ज़रूरत है और ब्रीथ के लिए एयर की ज़रूरत है इवन प्लांट्स ब्रीथ एयर इवन प्लांट्स ब्रीथ एयर मतलब जो प्लांट्स होते हैं वो भी एयर को ब्रीथ करते हैं उसको भी ज़रूरत पड़ती है उसके लिए यहाँ पे हमें एक एग्जाम्पल दिया है एक, एक आ, वो हमें देखना है लेटेस्ट लर्न मोर अबाउट इट बाय डूइंग इन एक्टिविटी एक एग्जाम्पल दिया है एक एक्टिविटी दी है देखो आपको वो एक्टिविटी देखनी है और अच्छे से समझनी है तो हमें पता चलेगा कि प्लांट्स को भी एयर की ज़रूरत पड़ती है उसमें सबसे पहले क्या करना है टेक टू पोटेड प्लांट्स मतलब टू पोटेड प्लांट्स लेने ऐसे प्लांट्स लेने हैं कि जो पोटेड है पोटेड का मतलब कि उसमें कुछ उगाया हुआ हो वैसे प्लांट लेने हैं अभी अभी कुछ मिट्टी में डाला हो और हम वो ग्रो हो उग जाए उसकी वेट कर रहे वैसे प्लांट नहीं लेने थोड़ा थोड़ा उसमें प्लांट होना चाहिए उगाया उगाया हुआ पहले से वैसे टू प्लांट्स लेने हैं कवर द फर्स्ट प्लांट कवर द फर्स्ट प्लांट विथ अ पोलीथीन बैग अब दो प्लांट हमने ले लिए उसमें से एक प्लांट को आपको पोलीथीन बैग से कवर कर लेना है लीव द अध प्लांट एज इट इज दूसरे प्लांट को वो जैसा है वैसे रहने देना है जैसे कि पिक्चर में दिखाया है एक प्लांट को कवर कर लेना है और दूसरे प्लांट को वो जैसा है वैसा रहने देना है कीप बोथ प्लांट्स इन एन ओपन प्लेस फॉर टू डेज एंड ऑब्जर्व कीप बोथ प्लांट्स मतलब दोनों प्लांट्स को रखना है इन एन ओपन प्लेस खुली जगह में रखना है फॉर टू डेज दो दिनों के लिए एंड ऑब्जर्व आपको देखना है सबसे पहले दो पोटेड प्लांट्स लेने हैं एक को पॉलीथीन बैग से कवर कर लेना है उन दोनों को खुली जगह में रखना है दो दिन के लिए और फिर आपको ऑब्जर्व करना है देखना है यू विल सी दैट द अनकवर प्लांट रिमेन्स ग्रीन एंड हेल्दी यू विल सी दैट मतलब आपको ये दिखाई देगा द अनकवर्ड प्लांट जो प्लांट अनकवर है जिसको आपने कवर नहीं किया है पोलिथीन बैग बैग से रिमेन्स ग्रीन एंड हेल्थी वो कैसा रहता है ग्रीन रहता है एंड हेल्थी रहता है वेर इज द कवर्ड प्लांट हैज ड्राइड अप और दूसरी तरफ क्या होता है जो दूसरा प्लांट होता है जिसको आपने कवर किया है वो ड्राइड अप मतलब कि सूख जाता है इट में इवन बी डेड वो मर भी सकता है मर भी सकता है या फिर मर भी जाता है इसका क्या मतलब है प्लांट का मर जाना मतलब सिंपल थिंग है कि वो पूरा सूख जाता है फिर वो किसी यूज़ का नहीं रहता है फिर हम उसको दूसरी बार ग्रो नहीं कर पाते हैं दिस इज बिकॉज द कवर प्लांट डीड नोट गेट इनफ एयर टू ब्रीथ अब इसका क्या रीज़न है दिस इज बिकॉज तो ये किसकी वजह से हुआ था द कवर प्लांट जो प्लांट था जो कवर किया हुआ था डिड नोट गेट इनफ एयर उसको इनफ एयर नहीं मिली थी मतलब ब्रीथ करने के लिए पूरी तरह से उसको हवा नहीं मिली थी उसकी वजह से वो अप हो गया था सूख गया था तो इससे हमें क्या पता चला कि प्लांट को आ, अच्छा हेल्दी रखने के लिए ग्रीन रखने के लिए एयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसीलिए हम ज़्यादातर प्लांट कहाँ पे ग्रो करते हैं बालकनी में ग्रो करते, है, में ग्रो करते हैं गैलरी में ग्रो करते हैं ताकि हम जब उसको देखें तो उसको इनफ वहाँ से सनलाइट मिल सके उसको इनफ वाटर मिल सके और उसको इनफ एयर भी मिल सके ओके okay? अब हमारा नेक्स्ट वन टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ एयर मतलब एयर के कितने फॉर्म्स होते हैं कितने टाइप्स होते हैं तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं बट हमें यहाँ पे तीन टाइप्स पढ़ने हैं उसमें फर्स्ट वन है वी कैन फील द एयर वेन इट मूव्स वो तो हम सबको पता है कि हम एयर को फील कर सकते हैं जब वो मूव करती है मतलब चलती है मूविंग एयर विंड जो मूविंग एयर होती है उसको हम क्या कहते हैं विंड कहते हैं हम सबको पता है कि हम ये फील कर सकते हैं जब एयर मूव करती है और जो मूविंग एयर है उसको हम क्या कहते हैं विंड कहते हैं ये फर्स्ट वन टाइप हो गया अब सेकंड वन है जेंटली ब्लोइंग एयर इज कोल्ड ब्रीज जेंटली ब्लोइंग एयर मतलब जो धीरे धीरे से चलती है वैसी वाली एयर है उसको हम क्या कहते हैं ब्रीज कहते हैं उसको हम क्या कहते हैं ब्रीज कहते हैं When wind blows वेरी फास्ट जब wind होती है वो बहुत ज़्यादा तेजी से चलती है इट इज called storm storm का मतलब होता है तूफान जब बहुत ज्यादा तेजी से चलती है तो हम उसको क्या कहते हैं स्टोन कहते हैं अस्टोम केन ट्रीज एंड ब्लो ऑफ द रूप्स ऑफ होम्स स्टोम क्या कर सकता है अपरूट ट्रीज मतलब ट्री को अपरूट कर सकता है ट्री को गिरा सकता है अप्रूट का मतलब उसको गिरा देना अपरूट मतलब कि रूट से ही उसको निकाल के गिरा देना एंड ब्लू ऑफ द रूप्स ऑफ होम्स और घर के ऊपर जो हम कभी कभी लगाते हैं ना जिसको हम कहते हैं कि छापरे वैसा कुछ हम घर के ऊपर लगाते हैं जो पुअर पीपल होते हैं जो रोड पे रहते हैं उनके घर पे होता है ऐसा उसको उड़ा भी सकता है या फिर थिंग्स को भी उड़ा सकता है अस्टोम कम्स वीथ थंडर लाइटनिंग एंड रेन स्टोम ऑलवेज आता है तो वो किसके साथ आता है ठंडर मतलब कि हमें ठंड लगती है लाइटनिंग मतलब उसके साथ हम स्काई में कहते हैं ना कि बिजली हो रही है वो भी होता है एंड रेन रेन के साथ आता है बारिश भी होती है जब स्टोम आता है तो साथ साथ में ये चीज़ें भी होती है ठंडर लाइटनिंग एंड रेन ओके okay, तो अब हमारे पास फॉर्म्स ऑफ एयर में तीन फॉर्म्स थे एक तो विंड था जो मूविंग एयर है उसको हम विंड कहते हैं फिर सेकंड वन है ब्रिज जेंटली ब्लोइंग एयर धीरे से धीरे चलने वाली जो एयर होती है उसको हम कहते हैं ब्रिज एंड वेरी फास्ट जो ब्लो करती है एयर उसको हम कहते हैं स्टोम तो ये हमारे तीन उसके टाइप्स हो गए हैं फॉर्म्स ऑफ एयर अब है यूजी सॉफ्टवेयर मतलब एयर का हम क्या यूज कर सकते हैं तो बहुत सारा यूज होता है इसमें कौन कौन सा दिया है एयर इज नीडेड फॉर बर्निंग अगर आपको कोई भी चीज जलानी हो तो उसके लिए क्या जरूरी होता है एयर की जरूरत होती है उसके बिना आप कोई भी चीज जला नहीं सकते हो जब आपको कोई भी चीज को बर्न करना है तो उसके लिए एयर की जरूरत होती है यहाँ पे हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हमने कैंडल जलाई है अब हम कैंडल के ऊपर क्या रखने वाले हैं एक बाउल रखने वाले हैं जैसे रखा कैंडल बुझ गई क्योंकि सेकंड वन है विंड मूव्स द ब्लेड्स ऑफ विंड मिल आपने देखा ही होगा कि विंड मिल्स होती है जहाँ पे बहुत सारी विंड मिल्स होती है वहां पे भी वो ऐसे मतलब ऐसी जगह पे वो लोग प्लान करते हैं ऐसी जगह पे लगाते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा हवा चल रही हो और आजू बाजू में सब कुछ कैसा हो ओपन प्लेस हो ताकि वहाँ पे वो हवा का यूज़ करके एयर का यूज़ करके जो विंड मिल्स है उसको अच्छे से विंड मिल है उसकी जो ब्लेड्स होती है उसको अच्छे से चला पाए जैसे हमारे घर पे जो फैन होता है उसमें कितनी ब्लेड्स होती है तीन ब्लेड्स होती है उसी तरह से जो विंड मिल होता है उसमें भी थ्री ब्लेड्स होती है उसको हवा से चलाने के लिए वो लोग ओपन प्लेस होता है वहाँ पे सेट करते हैं वहाँ पे लगाते हैं और उसका यूज़ करके वो चलती हैं हवा का यूज़ करके एयर मैक्स पैराशूट्स एंड काइट्स फ्लाई जैसे कि अभी काइट्स फेस्टिवल गया है अगर आपको काइट्स फ्लाई करनी है या फिर पैरासूट को हवा में उड़ाना है या फिर बलून को उड़ाना है तो उसके लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है एयर की जरूरत पड़ती है अभी सबने उत्तरायण में पतंग तो उड़ाई होगी तो उसके लिए भी किसकी ज़रूरत थी एयर की जरूरत थी उसके बिना वो उड़ नहीं पाती एंड लास्ट वन है विंड मूव्स अ सेल बोर्ड जो सेल बोर्ड होता है उसके ऊपर जो कपड़ा होता है वो भी किसकी वजह से चलता है एयर की वजह से चलता है जैसे ही उसमें एयर है वो कपड़े में भर जाती है वैसे वो उस तरफ आगे आगे बढ़ता जाता है तो सेल बोट में भी किसकी ज़रूरत पड़ती है विंड की जरूरत पड़ती है उसको चलाने के लिए फिर बहुत सारे यूज़ हम दूसरे भी करते हैं लाइक घर पे रोज कपड़े सुखाने के लिए भी एयर की ज़रूरत पड़ती है अगर हवा बिल्कुल ना हो तो हमारे कपड़े सूखते नहीं है आपको पूरे दिन बैठ के ये सोचना है कि एयर की जरूरत हमें कहाँ कहाँ है, फिर हमें ब्रीथिंग करने के लिए भी एयर की जरूरत पड़ती है बलून को फुलाने के लिए भी एयर की जरूरत पड़ती है वैसे कौन सी कौन सी जगह पे एयर की जरूरत पड़ती है वो आपको सोच के रखना है मैं आपको लाइव सेशन में पूछूंगी ओके नाउ लेटेस्ट प्रैक्टिस इसमें आप Answer, मतलब को टिक करेक्ट आंसर मतलब कि करेक्ट आंसर को टिक करना है आपके पास टू ऑप्शन है उसमें से जो सही है उसको टिक कर देना है हेल्प्स इन बर्निंग बर्निंग में हेल्प करता है एयर और वाटर तो ऑफ कोर्स हमें बर्निंग में कौन हेल्प करता है एयर तो आपको किसको टिक करना है एयर को फिर सेकंड वन डेज ब्रीथ इन एयर एयर में मतलब हवा हवा को वो ब्रीथ करता है तो ऐसा क्या है डॉग्स ब्रीथ करते हैं या बुक्स ब्रीथ करती है तो ऑफ कोर्स लिविंग थिंग्स कौन सी है डॉग्स तो कौन ब्रीथ करेगा डॉग्स तो आपको किसको टिक करना है डॉग्स को देन आफ्टर थर्ड वन वेन एयर ब्लोज जेंटली इट इज कॉल जब एयर है वो धीमे से चलती है जेंटली मतलब धीरे से चलती है तो इट इज कॉल्ड उसको हम क्या कहते हैं ब्रीज कहते हैं या विन कहते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे यस yes. ब्रीज तो आपको किसको टिक करना है ब्रीज को देन आफ्टर फोर्थ वन वी देस सी एयर हम एयर को देख सकते हैं या नहीं देख सकते कैन मतलब देख सकते हैं कैन नॉट मतलब नहीं देख सकते तो हम एयर को नहीं दे सकते हैं तो आपको किसको टिक करना है कैन नॉट देन आफ्टर लास्ट वन वी डेज लीव विदाउट एयर हम एयर के बिना जी सकते हैं या नहीं जी सकते हैं कैन मतलब जी सकते हैं एंड कैन नॉट मतलब नहीं जी सकते हैं तो उसमें क्या आएगा कैन नोट वी कैन नोट लिव विद एयर आपको किसको टिक करना है कैन नोट को नाउ क्वेश्चन नंबर बी फीलिंग द ब्लैंक्स विदर्ड्स बिलो आपको कुछ वर्ड्स दिए है उसका यूज करना है देन आफ्टर आपको वो ब्लैंक्स को फिल करना है वर्ड्स कुछ इस तरह से है ब्रीज फील एयर एंड लास्ट वन इज बर्निंग है मैंने आपको चैप्टर में बताया जेंटली मूविंग एयर को हम क्या कहेगे ब्रीज यस तो फर्स्ट वन में आएगा ब्रीज और ऑप्शन में भी वो फर्स्ट वन है और आंसर में भी वो फर्स्ट वन आएगा टेन आफ्टर सेकंड मंथ लिविंग थिंग्स डाई विथआउट डे लिविंग थिंग्स है वो इसके बिना मर जाती है तो ऐसी कौन सी चीज है वो तो हम सबको पता ऐसी कौन सी चीज है एर हवा के बिना हम मर जाएंगे तो सेकंड मंथ में आंसर क्या आएगा एर नाउ थर्ड वन एर हेल्प इन देश एयर हमें इसमें हेल्प करती है तो एयर हमें किसमें हेल्प करती है तो ऑफकोर्स एयर हमें किस में हेल्प करती है बर्निंग में कुछ जलाने में इसलिए हम क्या लिखेंगे बी यू आर आई एन जी बर्निंग थर्ड वन का आंसर बर्निंग एंड लास्ट वन फोर्थ वन वी कैन डेस द एयर व्हेन इट मूव हम एयर को क्या कर सकते हैं जब वो चलती है इधर उधर तो उसको क्या कर सकते हैं फील कर सकते हैं इसलिए हमें क्या लिखना है फील वी कैन फील द एयर वेन इट मूव्स डन ना क्वेश्चन नंबर सी अगर सेंटेंस सही है तो ट्रू का टी लिखना है कैपिटल टी और अगर सेंटेंस गलत है तो फॉल्स का एफ लिखना है कैपिटल एफ ओके फर्स्ट वन वी कैन सी एयर हम एयर को देख सकते हैं हवा को देख सकते हैं तो हम तो नहीं देख सकते इसलिए फर्स्ट वन में हम क्या करेंगे कैपिटल एफ फिर सेकंड वन ब्रीज कैन अप्रूट ट्रीज जो धीरे से हवा चलती है ब्रीज होती है वो ट्री को अप्रूट कर सकती है मतलब कि गिरा सकती है बट ऐसा भी नहीं होता है इसलिए हम सेकंड वन में भी क्या करेंगे कैपिटल एफ नाउ थर्ड वन प्लांस नीड एयर टू ब्रीथ प्लांट्स को एयर की जरूरत होती है ब्रीथ करने के लिए तो ऑफकोर्स प्लांट्स को भी ब्रीथ करने के लिए एयर की जरूरत होती है तो हम थर्ड वन में क्या लिखेंगे कैपिटल टी क्योंकि वो सही है एंड लास्ट वन फोर्थ वन वी फील एयर अराउंड अस हम एयर को फील कर सकते हैं अराउंड अस मतलब हमारे आजू बाजू में तो हाँ हम एयर को हर टाइम फील कर सकते हैं तो फोर्थ वन में क्या आएगा कैपिटल टी फर्स्ट वन एंड सेकंड वन में क्या आया कैपिटल एफ दोनों में कैपिटल एफ एंड थर्ड वन एंड फोर्थ वन में क्या आया कैपिटल टी दोनों में कैपिटल टी मतलब कि ऊपर वाले जो दो थे वो गलत है और नीचे वाले थ्री एंड फोर्थ है वो सही है नाउ क्वेश्चन नंबर डी आंसर द फॉलोविंग क्वेश्चन आपको कुछ क्वेश्चन दिए है उसका आंसर लिखना है जैसे कि मैंने बताया हम लर्नवेल में वन वर्ड में आंसर लिखे गए बट अगर आपको नोटबुक में आ, फुल आंसर लिखना है तो आप उसमें लिख सकते हो ओके फर्स्ट वन वाई डू लिविंग थिंग्स नीड एयर लिविंग थिंग्स को एयर की जरूरत क्यों होती है तो हमें एयर की जरूरत क्यों होती है ब्रीथ करने के लिए तो हमें आंसर इसमें लिखना है लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ लिविंग थिंग्स को एयर की जरूरत ब्रीथ करने के लिए होती है और अगर आपको वन वर्ड में लिखना है तो आप ऐसा भी लिख सकते हो टू ब्रीथ ओके सेकंड वन वॉट इज विंड विंड क्या होता है तो हमने चैप्टर में पढ़ा था विंड क्या होता है मूविंग एयर है उसको हम विंड कहते हैं तो हमें आंसर में लिखना है मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड मूविंग एयर को हम क्या कहते हैं विंड कहते हैं ऐसा आपको फुल आंसर लिखना है तो भी लिख सकते हो और वन वर्ड में लिखना है तो आपको सिर्फ इतना लिखना है मूविंग एयर नाउ थर्ड वन वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन अब्रीज एंड अस्टोम अब्रीज और स्टोम के बीच में डिफरेंस क्या है तो ब्रीज क्या है जेंटली मूविंग एयर है और जो स्टोम है वो वेरी फास्ट ब्लोइंग एयर है तो हमें वही उसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखनी है इसका आंसर तो आपको फुल आंसर ही लिखना पड़ेगा जेंटली ब्लोइंग एयर इज अ ब्रीज़ एंड वेरी फास्ट ब्लोइंग एयर इज अ स्टॉर्म जेंटली ब्लोइंग एयर इज अ ब्रीज मतलब धीरे से जो चलती है वो धीरे से जो हवा चलती है उसको हम ब्रीज कहते हैं एंड वेरी फास्ट ब्लोइंग एयर मतलब जो फास्ट चलती है हवा उसको हम क्या कहते हैं स्टॉर्म कहते हैं डन न कुछ हॉट्स के क्वेश्चन है सीड इज ट्राइंग टू फ्लाई काइट on a hot sunny day, but he is unable to do so. Give reasons for the same. Seed है वो try कर रहा है hot sunny day में मतलब जब summer होता है और बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तब seed है वो काइट को फ्लाई करने की ट्राई कर रहा है बट उसकी जो काइट है वो उड नहीं रही है तो इसका रीजन आपको बताना है इसका रीजन आपको सोचना है कि ऐसा क्यों हो रहा है और इसका आंसर आपको कब देना है जब मैं आपको लाइव सेशन में क्वेश्चन तब मुझे... तब आप लोगों को मुझे बताना है कि ऐसा क्यों होता है ओके सेकंड वन है वन मॉर्निंग जिया अप एंड सो दैट बीन है एंड रोड्स वेर वेट वन मॉर्निंग मतलब एक सुबह जिया वॉकअप जिया उठती है एंड सो देट जिया देखती है ट्रीज हैड बीन अपरूटेड ट्रीज है वो अपरूटेड है मतलब गिर गई है एंड रोड्स वेर वेट मतलब कि जो रोड्स है वो भीगे हुए थे तो ऐसा किसकी वजह से होता है ऐसा क्यों होता है ऐसा किसकी वजह से हुआ था और ऐसा क्यों हुआ था वट डू यू थिंक आपको क्या लगता है कि उस रात को क्या हुआ होगा तो आपको इसका आंसर भी फाइन करके रखना है और लाइव सेशन में मैं आपसे पूछूं तब आपको मुझे तब आपको मुझे ये आंसर देना है ओके नीचे आपके लिए एक मस्त ड्राइंग करके रखा है डोर्स को अच्छे से ज्वाइन कर देना है देन आफ्टर आपको इसमें जो भी कलर करने हैं आप अपने हिसाब से अपने कलर्स आई I मीन mean, अपने पसंद के कलर्स कर सकते हो ओके okay? और इस चीज़ का नाम भी आपको नीचे लग, लिखना है कि ये क्या है सो so, यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है चैप्टर नंबर सेवन एयर मतलब कि हवा एंड ये वाला चैप्टर हम एक्टिविटी बुक में कब करेंगे हमारे लाइव सेशन में तब तक आपको ये दो जो होट्स है उसके आंसर फाइंड करके रखने हैं और साथ साथ में मैं जो बोलूँ वो एक्सरसाइज आपको अपनी ई की बुक में अच्छे वाले राइटिंग में लिख लेनी है Okay, bye bye everyone. Have a nice day.